फ्रेंड्स, बॉलीवुड बस के साथ मैं कीर्ति एक बार फिर से हाजिर हूँ। आइए डालते हैं एक नजर बॉलीवुड गलियारे पर। भाई अर्जुन कपूर के बर्थडे पर इमोशनल हुई बहन जानवी कपूर, तस्वीर शेयर कर लिखा, भाई लव यू, तुम ही मेरी ताकत हो। 26 जून को बॉलीवुड के चार्मिंग और टैलेंटेड एक्टर अर्जुन कपूर का बर्थडे होता है। अर्जुन कपूर ने इस बार अपना जन्मदिन अपने परिवार के साथ मनाया। पिता बोनी कपूर के साथ उनकी तीनों बहनें अंशुला कपूर, जानवी कपूर और खुशी कपूर उनके साथ थी। 26 जून 1985 को मुंबई में पिता बोनी कपूर और मां मोना सूरी कपूर के घर जन्मे अर्जुन कपूर इस साल अपना 33वां जन्मदिन मना रहे हैं। उनके जन्मदिन पर पूरा परिवार बेहद खुश नजर आया। इस मौके की खास बात ये थी कि बहन जानवी कपूर ने भैया अर्जुन कपूर को बड़े इमोशनल अंदाज में बर्थडे की शुभकामनाएं दी। जानवी कपूर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, आप हमारी ताकत है, लव यू, हैप्पी बर्थडे अर्जुन भैया। उससे पहले बोनी कपूर अपनी दोनों बेटियां जानवी कपूर और खुशी कपूर के साथ अर्जुन कपूर का बर्थडे मनाने पहुंचे। बता दें, हाल ही में अर्जुन कपूर ने परिणीति चोपड़ा के साथ अपनी फिल्म नमस्ते इंग्लैंड की शूटिंग पूरी की है। अर्जुन कपूर ने साल 2012 में परिणीति चोपड़ा के साथ अपनी फिल्म इश्कज़ादे से अपनी बॉलीवुड एंट्री की थी। उसके बाद उन्होंने औरंगजेब, गुंडे, टू स्टेट्स, तेवर, की एंड का, हाफ गर्लफ्रेंड, मुबारक आदि जैसी फिल्मों में काम किया। बढ़ते हैं मनोरंजन की अगली खबर की ओर। बॉयफ्रेंड संग गोवा पहुंची एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा, बहन परिणीति संग टिप टिप बरसा पानी पर थिरकती हुई आई नजर। बॉलीवुड एक्ट्रेस से इंटरनेशनल आइकन बनी प्रियंका चोपड़ा इन दिनों इंडिया में है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि प्रियंका स्वदेश अकेले नहीं बल्कि अपने कथित बॉयफ्रेंड और अमेरिकी सिंगर निक जोन्स के साथ नजर आईं। इसी बीच प्रियंका और निक गोवा पहुंचे हैं, जहां एक्ट्रेस ने उन्हें अपने परिवार से मिलाया। प्रियंका की छोटी बहन और एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा भी इस मौके पर मौजूद रही। गोवा में बारिश का मौसम रहा और इसी बीच परिणीति और प्रियंका ने इस मौसम का जमकर आनंद लिया। परिणीति ने प्रियंका साथ एक वीडियो जारी की, इसमें दोनों बहनें मोहरा के गाने टिप टिप बरसा पानी पर सिजलिंग परफॉर्मेंस देती हुई नजर आईं। टिप टिप बरसा पानी, पानी में आग लगा। प्रियंका के फैन क्लब ने गोवा वेकेशन की कई तस्वीरें भी जारी की, जिसमें निक जोन्स और प्रियंका अपनी फैमिली के साथ नजर आईं। बड़े पर्दों की खबरों के बाद आइए डालते हैं टीवी की दुनिया पर एक खास नजर। शादी के बाद रिसेप्शन पार्टी पर चांद सी खूबसूरत लगी एक्ट्रेस रुबीना दिलायक। 21 जून को टीवी की मशहूर एक्ट्रेस रुबीना दिलायक ने अभिनव शुक्ला के साथ शादी की। इस शादी शिमला में रचाई गई। शादी के बाद न्यूली मैरिड कपल अभिनव के होम टाउन लुधियाना पहुंचे और हाल ही में वहां रिसेप्शन पार्टी ऑर्गेनाइज की गई। इस मौके पर रुबीना सिल्वर कलर के गाउन में काफी ग्लैमरस नजर आ रही थी, वहीं अभिनव ब्लैक आउटफिट में नजर आए। रुबीना के लुक में चार चांद उनकी मांग में लगे सिंदूर ने लगाया। बता दें, लुधियाना में पार्टी देने के बाद दोनों 28 जून को मुंबई में ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी देंगे। इस पार्टी में टीवी इंडस्ट्री के नामी सितारे नजर आएंगे। रुबीना शादी के जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही थी। शादी के दिन सफेद रंग के लहंगे ने रुबीना की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए। बढ़ते हैं टीवी की दुनिया की एक और खबर की ओर। ये रिश्ता क्या कहलाता है, फेम एक्ट्रेस हिना खान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की अपनी बोल्ड तस्वीरें। टीवी शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा के नाम से लोगों के दिलों में खास पहचान बना चुकी हिना खान इन दिनों अपने बॉयफ्रेंड रॉकी के साथ गोवा में छुट्टियां मनाती नजर आ रही हैं। गोवा में रॉकी के साथ घूमते हुए उनकी कई फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। हिना खान सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव रहती हैं और हाल ही में उन्होंने अपनी कुछ फोटोज इंस्टाग्राम पर शेयर की। हिना अपने इस फोटोशूट में काफी ज्यादा बोल्ड नजर आ रही हैं। सफेद कलर की शॉर्ट ड्रेस में हिना खान की फोटोज काफी ज्यादा पसंद भी की जा रही है। बिग बॉस सीजन 11 में रनर अप रही हिना अपनी अदाओं से लोगों को अपना दीवाना बना रही हैं। बता दें कि हिना खान ने ये फोटोज अपने गोवा वेकेशन के दौरान पोस्ट की। ये रिश्ता क्या कहलाता है के बाद टीवी एक्ट्रेस बिग बॉस में आने के बाद से खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। विवादों में घिरी रहने वाली हिना खान को बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद काम के लिए कई दिनों तक इंतजार करना पड़ा। थोड़े समय पहले ही हिना ने अपने इंस्टाग्राम पर ये जानकारी दी कि वो फिलहाल एक शॉर्ट फिल्म की शूटिंग में बिजी हैं। फिल्म के बारे में हिना ने ज्यादा कुछ जानकारी नहीं दी, लेकिन जब फिल्म की शूटिंग से फ्री होने के बाद अब हिना अपने क्वालिटी टाइम अपने बॉयफ्रेंड के साथ गोवा में बिताती हुई नजर आई। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की गई इन तस्वीरों से हिना खान एक तरफ बहुत ज्यादा ट्रोल हो रही है, तो कुछ उनके फैंस उनकी उस तस्वीरों को बहुत ज्यादा पसंद भी कर रहे हैं। ऐसी और भी अपडेट्स के साथ हम हाजिर होते रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।